जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड की 7th क्लास की 7वीं जमात की अंग्रेजी की किताब माई इंग्लिश कंपेनियन, उसका लैसन नंबर 4 अ ग्लास ऑफ मिल्क, उसकी एक्टिविटी नंबर 1 जिसका सिरलेख है प्री रीडिंग, इस वीडियो कर जा रहे हाँ। सो तुम सारे अपनी नोटबुक और पेन ले लो, तो सारिया दसिया जाने वाली गलों अपनी नोटबुक उतार लेना है, तो मगरों की बिना देखे तुसी इन्हां नूं बोलण दा लिखण दा अभ्यास भी करना है। सो शुरू करिए। अगे वधण तो पहले प्यारे विद्यार्थियों, मैं दस दवां कि इसी चैनल दे उत्ते चटसाल कैप्टन यशपाल सिंह दे उत्ते 7वीं जमात दी एक होर प्लेलिस्ट है जिसका नाम है 7th मैथ, जिहदे विच तुहाडी मैथ दी किताब, गणित दी किताब दे सारे सवाल हल करके पाए जा रहे हन। सो तुसी उहदा लाहा भी लै सकदे हो। सो देखिए एक्टिविटी नंबर 1 की कहिंदी है। डिक्शनरी रेफरेंस अर्थात इहदे विच शब्दकोश का हवाला लिया गया है। लर्निंग न्यू वर्ड्स नवे शब्दों की सिखलाई है। सो एक्टिविटी नंबर 1 कहती है लुक अप द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ डिक्शनरी। हेठ लिखे शब्दों को किसी शब्दकोश में देखो। यू शुड सीक द फॉलोइंग इनफॉर्मेशन, तुहानू हेठ लिखी जानकारी हासिल करनी चाहिए है अबाउट द वर्ड्स, इन शब्दों बारे, एंड पुट दैम इन योर वर्ड्स नोटबुक, तो अपनी शब्दों वाली नोटबुक जी तुम बनाई है वो इनू पक्के तौर पर उतार लेना है। सो जानकारी कीड़ी कीड़ी है? पहली जानकारी है मीनिंग ऑफ द वर्ड एज यूज इन द चैप्टर। सबक दे विच जिस अर्थ दे विच शब्द वर्त्या गया है उस अर्थ नूं जाणो, ते नाले देखो कि वह शब्द एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है या की है। ठीक है जी। दूजा प्रोनाउंसिएशन अर्थात शब्द का उच्चारण किवें करना है। मैं बोलांगा, तुसीं ध्यान दे नाल सुनना है, तो फिर सुन के तुसीं उन्हों दोहराना है ताकि तुहाडा भी उच्चारण का अभ्यास हो सके। तीजी गल है स्पैलिंग्स, जिन्हों कहने अक्षर जोड़। ये बच्चों शब्दों को उतारन लगे नोटबुक बड़े ध्यान दे रखना है कि जिदा CUMPLI काली काली च नहीं उतारना ताकि स्पैलिंग ठीक ठाक लिखे जाए। फिर बिना देखे तुसी इन शब्दों को लिखण का अभ्यास करना है तो अपने स्पैलिंग्स का मिलान करना है। स्पैलिंग की गलतियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इन्हों पक्के तौर पर यदा अभ्यास जरूर करना है। सो देखिए इन शब्दों के बारे जी लोड़ी जानकारी है वह प्राप्त करिए। सो पहला शब्द बच्चों कॉम्प्लीकेटिड, मूल शब्द है कॉम्प्लीकेट अर्थात गुंझलदार बनाउणा, ते कॉम्प्लीकेटिड एक तो बना बन जाएगी थर्ड फॉर्म भी बन जाएगी, पर इतने एडजेक्टिव हैगा अर्थात गुंझलदार पेचीदा। कोई चीज़ बड़ी गुंझलदार होवे, समझ ना आवे, है ना, तो असी कहने यह मसला जड़ा है बड़ा गुंझलदार है, असी कहते दिस मैटर इज कॉम्प्लीकेटिड। सो यह बच्चों एडजेक्टिव है, विशेषण है, तो अंग्रेजी में यदि एक्सप्लेनेशन इस तरह डिफिकल्ट टू एनालाइज, एनालाइज होंगे पड़चोल करनी, जिन्हों पड़चोल करना औखा हो, अंडरस्टैंड समझना औखा हो, एक्सप्लेन वह व्याख्या करनी होखी हो, सो अच्छे कहने कॉम्प्लीकेटिड। तो दूजा शब्द एक अंग्रेजी का है कॉम्प्लीकेटिड की थान अं वर सकते हैं कॉम्पलैक्स। ठीक है, अगे चलिए दूसरा शब्द है डायग्नोज, है डॉक्टरी भाषा का शब्द है डायग्नोज, पर आम अंग्रेजी में ही वरत्या जाता है। सो यह मतलब रोग की जाँच करनी, किसी बीमारी की जाँच करनी या रोग की तफतीश करनी। ठीक है जी, ए वर्ब हैगी है, ए किरिया है। सो यदा मतलब डिटरमिन द नेचर ऑफ एन इलनेस अर्थात किसी बीमारी का जो उदी प्रकृति की है, उदी नेचर की है, उदा पता लगाना डिटरमिन। ठीक है, दूजा मतलब यदा नाल दे नाल जुड़दा भी हैगा टू रेकोगनाइज अ डिजीज, डिजीज बीमारी रेकोगनाइज पछाणा पछाणना, किसी बीमारी की पछाण करनी किदा बाय साइंस एंड सिम्पटम्स। इतने बच्चे साइन जगह साइंस हैगा, साइंस होंगे चिन्ह निशान, एंड सिम्पटम्स ने अलामत अर्थात अखा देख के, नौ देख के, चमड़ी देख के, स्टैथोस्कोप वरत के अलामत, शरीर के उत्ते कोई चिन्ह आ रहे हैं, कोई निशानियाँ भी बुखार हैगा, खंघ हैगी है, जिसे डॉक्टर कहते ना मूँह अड्डो आ करो, वो गला देखते हैं, जुबान देखते हैं, स्टैथोस्कोप ला के वो तुहाडी दिल की धड़कन देखते हैं, फिर वो तुहाडी गुट के उत्ते हाथ रख के तुहाडी जिहड़ी नाड़ी है पल्स रेट जिहड़ा है वह देखते हैं। सो यह सारी चीज़ों को कहने साइंस एंड सिम्पटम्स, ये राही डॉक्टर जिहड़े ने दवाई का पता लगाते हैं, उन्होंने डायग्नोज करना। ठीक है जी। तीजा है सर्जरी। सो सर्जरी का मतलब है जो चीर फाड़, तो एक शब्द है जराही, जरा जिन्होंने कहते जरा होंगे जरा चीर फाड़ करके पट्टी पुट्टी करता है, माड़ा मोटा ऑपरेशन करता है, जरा कहते हैं जराही, तो या सर्जरी भी कह दें अंग्रेजी में, अंग्रेजी का शब्द पंजाबी प्रवान हो गया है। सो सर्जरी नू सर्जरी करके भी लिखा जा सकता है, तो या चीर फड़ करके लिखा जा सकता है। जो नाउन है बच्चों
ठीक है। सो इहदा मतलब कि दी ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस अर्थात डॉक्टरी विज्ञान की वो शाखा दैट ट्रीट्स डिजीज बाय ऑपरेशंस, जिहदे विच बीमारियां दा इलाज ऑपरेशन करके चीर फाड़ करके कीता जाता है, उन्हों क्या जाता है सर्जरी। चौथा शब्द है अटेंशन, ए नाउन है बच्चों, ए नाउन है। सो इहदा मतलब अटेंशन तवज्जो ध्यान गौर, ठीक है। सो अंग्रेजी च एक्सप्लेनेशन है एक्ट और स्टेट ऑफ अप्लाइंग दी माइंड टू समथिंग अर्थात दिमाग नू किसी खास पासे लाना, ते नू सी भी कह सकते दूजे शब्द कंसंट्रेशन, ठीक है। असी कहने पे कंसंट्रेशन, पे अटेंशन, पे ध्यान दवो, कंसंट्रेशन इधर ध्यान दवो, स्टडी विद कंसंट्रेशन ध्यान ला के पढ़ो, एकाग्र चित होके पढ़ो, स्टडी विद अटेंशन लिसन अटेंटिवली ध्यान नाल सुनो, ठीक है। सो पंजवा शब्द है स्ट्रगल। सो स्ट्रगल बच्चों नाउन भी होएगा ते वर्ब भी होएगा, पर यह शब्द लेसन में आया नहीं कितने स्ट्रगल। सो मैं नाउन मान के चल रहा हूँ, सो नाउन है, ठीक है। सो नाम है, सो स्ट्रगल का मतलब हो गया जद्दोजहद, ये वर्ब हो जाए फिर जद्दोजहद करना। सो स्ट्रगल में जद्दोजहद, संघर्ष, घोल, दौड़ भज, भज नट। तो मैं किन्ने सारे शब्द देते ताकि तुहाडी पंजाबी दी वोकैबलरी अमीर हो जाए, माँ बोली जे माँ बोली ते पकड़ वधिया होएगी, ते अंग्रेजी सीखनी होर भी सौखी हो जाएगी, ठीक है। सो नाउन है बच्चों एनर्जेटिक, एनर्जेटिक मैंने जोश भरपूर पूरा जोर ला के, अटैम्प्ट मैंने कोशिश टू अचीव समथिंग पूरे जोशो फरोख के नाल कम करना, कोई करना कि जद्दोजहद करनी, या स्ट्रीनुअस एफर्ट। स्ट्रीनुअस एफर्ट का मतलब ये, स्ट्रीनुअस एनर्जेटिक का दूजा शब्द है, एफर्ट मैंने उन्हें कोशिश, स्ट्रीनुअस मैंने पूरा जोर लाने की कोशिश, पूरे खून पसीने कढ़ते, डरे नहीं, सामने रिस्क आया कुछ भी आया पूरी जद्दोजहद करना है, उन्होंने क्या जाता है स्ट्रगल, ठीक है। ते छेवां शब्द है डिस्कस, ए वर्ब हैगी है किरिया हैगी है, ये मतलब विचार वटांदरा करना या चर्चा करनी, ठीक है। सो यदा शब्द मतलब है टॉक अबाउट, टू टॉक अबाउट वो बारे कि तुम अपने विचार रखो, मैं अपने विचार रखना, कोई गल समस्या गुंझलदार हैगी है ते ओदे विचार लेने, अपने विचार देने, फिर ओदे विचार विच कोई खामी है ते ओदे उल्ट बोलना, मतलब उन्हें कहना नहीं भाजी इदा नहीं इदा होएगा, वो भी फिर ए चर्चा करके कोई खास नतीजे ते पहुंचना, ठीक है। उनके डिस्कशन करनी, डिस्कस। टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट तफतीश करनी, बाय रीजनिंग, रीजनिंग दलील दे के, और आर्ग्यूमेंट या अपना कोई बहस दा दलील दा तर्क दा पॉइंट दे के कोई इन्वेस्टिगेशन करनी, ठीक है ना। सो इहदा मतलब हुंदा है डिस्कस, टॉक अबाउट किसी गल बारे विचार चर्चा करनी, किसी गल दी तफतीश करनी, उहदे विच अपने अपने को जो तथ्य हैगे ने, अपने को जो सिद्धांत है, अपने को जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उहदा पक्ष रखना, ते उस पक्ष विच कोई कमी हैगी है ते फिर दूजा बंदा उस विच रखेगा ते वो अपना पक्ष भी रखेगा। सो इदां डिस्कस करके किसी गल दे नतीजे ते पहुंचा जा सकदा, इहनूं क्या जांदा है डिस्कस, ते इस क्रिया नूं क्या जांदा है डिस्कशन, वो फिर बन जांदा है नाउन, ठीक है। सो इसी तरह प्यारे विद्यार्थियों तुसीं अपनी नेम दे नाल, निरंतरता दे नाल, लगन दे नाल अपनी पढ़ाई करी चलो। देखो किन्ने सोहणे 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 तुहाडे आ लैसन पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड ने बनाए ने, जे तुसीं तरतीब दे नाल इदां पढ़ो ते तुहानूं जिहड़ी अंग्रेजी दे बारे या कोई भी विशा जिहड़ा तुहाडा मैथ हो गया, साइंस हो गया, कुछ भी हो गया, समाजिक ज्ञान हो गया, सो जे तरतीब ना रोज़ दा तुसीं पढ़ो स्टैप बाय स्टैप ते एजुकेट होना, अपने आप नूं पढ़े लिखे विच विद्वानों विच गिणना, फिर कोई औखा कम नहीं रह जाएगा। सो अगले वीडियो तक लई गुड बाय, तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद, रब रखा, थैंक यू वेरी मच।